दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन्फिनिट मूवी के ट्रेलर की। और मुझे पर्सनली ये ट्रेलर माइंड ब्लोइंग लगा, इसका रीज़न मैं आपको आगे वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब देखो यार, पहला रीज़न तो है इस मूवी की कास्ट। मार्क वेलबर्ग, डिलन ओब्रायन और क्रिस इवेंस जैसे बड़े बड़े एक्टर्स ने इस मूवी में काम किया है। और फ्रेंड्स, अगर आप डिलन ओब्रायन और मार्क वेलबर्ग को नहीं जानते तो इनकी मैं कुछ मूवीज़ रेकमेंड कर देता हूँ आपको। आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। डिलन ओब्रायन की एक मूवी आई थी रिसेंटली, लव एंड मॉन्स्टर्स। और अगर आपको मार्क वेलबर्ग के बारे में थोड़ा और जानना है तो आप शूटर और स्पेंसर कॉन्फिडेंशियल मूवी ज़रूर देखिएगा। और क्रिस इवेंस को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कैप्टन अमेरिका के नाम से, बहुत ही फेमस एक्टर हैं और एमसीयू के स्टार हैं। अब गाइस, ट्रेलर में हमें ये दिखाया गया है स्टार्टिंग में कि जो मार्क वेलबर्ग होता है, जिसका नाम मूवी के अकॉर्डिंग एवन मैकॉली होता है, वो एक कन्फाइनमेंट में बंद होता है, जहाँ पे उसके साथ एक और कैरेक्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम मूवी के अकॉर्डिंग है टेड। दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करता है क्योंकि एवन जो है वो अपनी याददाश्त खो चुका है। तभी वहाँ पे मूवी की हीरोइन की एंट्री होती है, जिसका टास्क होता है एवन को वहाँ से रेस्क्यू करना। अब ट्रेलर में हमें आगे ये पता लगता है, हम से जाने जाते हैं। अब देखो यार, ये जो इन्फिनिट्स हैं ये लोग एक तरह से इमॉर्टल होते हैं, मतलब ये मर तो सकते हैं लेकिन दोबारा भी ज़िंदा हो सकते हैं। कुछ ऐसी ही ट्रेजेडी एवन मैकॉली के साथ भी हो चुकी होती है क्योंकि वो मरीज हो चुका होता है। तो अब इस ट्रेलर को देखते हुए मुझे थोड़ी सी गजनी वाली फील भी आ रही थी, वो बॉलीवुड मूवी है जो, क्योंकि गजनी की तरह ही एवन मैकॉली ने भी अपने शरीर पे कुछ कार्व किया होता है, कुछ मतलब याद रखने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट। अब जो टेड है वो इन इन्फिनिट्स का दुश्मन होता है, मतलब उसका प्राइमोर्डियल टास्क जो है वो इन सभी को वाइप आउट करने का होता है। तो हमें इस मूवी में उनके फाइट सीन्स भी दिखाए जाएंगे। और देखिए दोस्तों, अगर ऑल इन ऑल ट्रेलर की बात की जाए तो ट्रेलर में एक्शन भर भर के है। और इस मूवी का जॉनरा जो है वो भी साईफाई एक्शन ही होने वाला है। तो ऑल इन ऑल ये ट्रेलर मुझे आउटस्टैंडिंग लगा। और हालांकि इस ट्रेलर में कहीं भी हमें क्रिस इवेंस की झलक देखने को नहीं मिली है, बट वही एक एक्साइटमेंट है कि उनका रोल क्या होने वाला है मूवी में। तो अब चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे ऐसी ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।